नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनटेक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी पे जो लोन लेते हैं, ठीक है, उस पे जो आप ब्याज भरते हैं उसका कैसे आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपने कोई घर या ऑफिस लिया है उस पे आप इंटरेस्ट आपने जो पे किया है वो उसका कैसे आप इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक एग्जाम्पल के साथ दोस्तों करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं, उनके पास तीन प्रॉपर्टी है, P1, P2, P3, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी है वो खुद रहते हैं, इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद रहते हैं, ठीक है। ये उन्होंने रेंट पे चढ़ा रखा है, रेंट पे है, ठीक है। अब दोस्तों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होता है उसमें आपको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, मैक्सिमम बेनिफिट जो आप ले सकते हैं वो है 2 लाख, ठीक है। और लेट आउट प्रॉपर्टी जो है उस पे आपका कोई लिमिट नहीं है, जितना आपने पे किया है इंटरेस्ट वो पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा, नो लिमिट, ठीक है। बट फाइनेंस एक्ट 17 में जो चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट आया, उसमें ये कहा है कि हम आपको इंटरेस्ट जितना है उतना अलाउ कर देंगे, बट अगर लॉस आपको सिर्फ 2 लाख ही आपको दूसरे इनकम के सामने आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं अभी प्रॉब्लम करवाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो जैसे अपना एग्जाम्पल है, ये मान लीजिए कि ये तीन प्रॉपर्टी है। अब तीनों प्रॉपर्टी पे जो है इनकम इस हिसाब से आ रहा है रेंट। अब ये तो खुद का फ्लैट है, रह रहे हैं तो उसका रेंट 0 है। यहाँ पे मान लीजिए रेंट इनकम है 2 लाख साल का, और यहाँ पे रेंट इनकम है 1 लाख, ठीक है। अब ये इन्होंने तीनों प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जो लोन लिया हुआ है वो मान लीजिए उन्होंने इंटरेस्ट साल भर का इंटरेस्ट है 3 लाख, यहाँ पे मान लेते हैं 2 लाख, और यहाँ पे मान लेते हैं 1 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख मान लेते हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों हो गया डिटेल्स। अब इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इनकम इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे रेंट, तो रेंट यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे रेंट है 2 लाख, 2 लाख लिख दीजिए, यहाँ पे रेंट हमारा आ रहा है 1 लाख। ये रेंट जो मैंने यहाँ पे लिया है वही यहाँ पे आया है रेंट इनकम, ठीक है। इसमें से माइनस कर दीजिए आप म्यूनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो आप कुछ भरते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी अलाउ नहीं होगा। प्रॉपर्टी टैक्स मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं भरा हुआ है, ठीक है, हमारा मकसद है इंटरेस्ट सीखना, जो भी आप प्रॉपर्टी टैक्स होगा वहां पे माइनस हो जाता है। माइनस करने के बाद दोस्तों आएगा इनकम, यहाँ तो नील ही आएगा, यहाँ पे आएगा 2 लाख, यहाँ पे आएगा 1 लाख, ठीक है। अब दोस्तों गवर्नमेंट जो है पूरे 2 लाख पे टैक्स नहीं लेती, गवर्नमेंट दो चीज का बेनिफिट देती है। एक तो गवर्नमेंट कहती है आप सीधा 30% बेनिफिट डिडक्शन ले लीजिए, ठीक है, और दूसरा मिलता है बेनिफिट वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो 30% क्यों देती है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए देती है, बट एक्चुअल खर्चा कुछ नहीं पूछेगी गवर्नमेंट। खर्चा किया आपने नहीं किया, किसी साल में ज्यादा कर दिया, दैट इज ऑल आर इररिलेवेंट। सीधा 30% आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 लाख में से 60 हजार 30% होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 लाख का 30% होगा 30 हजार इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था कि लोन हमने कितना पे किया, 3 लाख। अब भले आपने 3 लाख पे किया है लेकिन 3 लाख आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया सेल्फ ऑक्यूपाइड पे कितना लिमिट है 2 लाख। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना माइनस होगा, 2 लाख यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप खुद का घर, आप खुद रह रहे हैं, तो लिमिट 2 लाख मिलेगा। भाड़े पे दिया है मैंने बताया कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लाख आपने पे किया इंटरेस्ट, 2 लाख आप यहाँ पे ले लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है।
यहाँ पे भी आपने 2 लाख का इंटरेस्ट पे किया ये वाले फ्लैट के लिए, यहाँ भी 2 लाख आप ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं। अब दोस्तों ये आपका इनकम कैलकुलेट हो गया। अब पहले वाला जो फ्लैट है आपका वो खुद रह रहा है, यहाँ पे तो इनकम कुछ है नहीं, तो 2 लाख का लॉस आएगा, ठीक है, नेगेटिव लॉस। यहाँ पे दोस्तों 2 लाख इनकम है, 2,60,000 का आपका इंटरेस्ट ये डिडक्शन है, तो 60,000 का यहाँ पे लॉस आएगा। और ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसमें 1 लाख रेंट आ रहा है, 230 का आपका टोटल डिडक्शन है, तो 230 माइनस 130 1 लाख, तो 130 का यहाँ पे भी लॉस आया। तो तीनों में आपको, आप देख रहे हैं कि तीनों केस में आपको लॉस आ रहा है, ठीक है। अब तीनों लॉस को आप जोड़ दीजिए तो टोटल लॉस आपका कितना आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, तो ये हो गया 130 प्लस 60 190 प्लस 2 मतलब 390 का लॉस आ गया, 3,90,000 का लॉस आ गया लॉस। तो दोस्तों फाइनेंस एक्ट 17 ने क्या बोला है, जब से आया है फाइनेंस एक्ट 17, उसने बोला है कि ये जो लॉस आपका है, एक तरह से तो कहते हैं कि इंटरेस्ट हम आपको पूरा अलाउ कर देंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जो होगा मिल जाएगा, बट जो टोटल आपका लॉस होगा, ठीक है, ये जो आपका लॉस होगा वो लॉस हम लोग 3,90,000 नहीं देंगे, कितना देंगे मैक्सिमम 2 लाख देंगे, सिर्फ 2 लाख देंगे, ठीक है, एक साल में। अब बाकी का जो लॉस बच गया है, अभी 390 में से 290 दिया, 1,90,000 का जो लॉस है उसका क्या होगा, ठीक है, बैलेंस जो लॉस है आपका वो गवर्नमेंट करती है, ये आप नेक्स्ट ईयर में लेके जाइए, 8 साल तक आप इसको लेके जा सकते हैं। मान लीजिए अगले साल भी आपका लॉस आता है, मान लीजिए 2.5 लाख का लॉस आता है, ठीक है, 2.5 लाख का लॉस तो अगले साल होगा, प्लस ये पिछले साल का 1,90,000, तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो 1,90,000 पिछले साल का है, प्लस यहाँ पे भी 2 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा, 2.5 लाख नहीं मिलेगा, 2 लाख ही मिलेगा, तो यहाँ पे भी 50,000 का लॉस बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों 1,90,000 आपका लॉस जो है, प्लस 50,000 अगले साल का लॉस, टोटल मिला के ये 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये वाला जो लॉस है 8 साल तक, ठीक है, ये भी, ये वाला लॉस भी 8 साल तक, 8 साल में अगर आपका ये लॉस जो है 2 लाख के नीचे आया, सपोज किसी साल में 1.5 लाख आया, ठीक है, तो 1.5 लाख आया, तो ये पिछला 1,90,000 वाला लॉस है वो लॉस आप यहाँ पे ले सकते हैं, 50,000 ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका खत्म हो गया होम लोन वगैरह, तो भी आप ये लॉस ले सकते हैं, आपने लोन ही बंद कर दिया, तो 8 साल के अंदर आपको ये लॉस अलाउ हो जाएगा, प्रोवाइडेड कोई भी साल में लॉस मैक्सिमम 2 लाख तक ही अलाउ होगा, 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा। अब दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अब बात करते हैं एक बहुत ही एक सेक्शन है, सेक्शन 80EE, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर 16-17 से एप्लीकेबल है। अब ये बहुत कम लोगों को मालूम है, जब सब लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, इसके लिए दोस्तों कंडीशन है कि अगर आपके पास एक ही फ्लैट है, 1 फ्लैट, ठीक है, और आपने लोन लिया है, लोन जो है 35 लाख से या उससे कम है, और जो आपने घर खरीदा उसका वैल्यू जो है 50 लाख या उससे कम है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपने घर खरीदा है 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, ठीक है। पहला कंडीशन है कि आपके पास एक ही फ्लैट होना चाहिए, लोन आपका 35 लाख या उससे कम होना चाहिए, और 50 लाख से कम का प्रॉपर्टी होना चाहिए, और लोन ये पीरियड में आपने लिया है, तो होम लोन। तो दोस्तों आपको ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका कुछ नहीं, वो तो वैसे ही होगा, बट ये सेक्शन जैसे आपका सेक्शन 80C है, उसी तरह 80EE ये सेक्शन में आप 50,000 का इंटरेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कम ले लेंगे, पता है आपको लॉस अलाउ नहीं होगा, तो यहाँ पे आप 50,000 ले सकते हैं, दोनों जगह नहीं।